Hello everyone, first of all, Assalamualaikum. I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel, Lawyer Online Earning. आज की इस अमेजिंग वीडियो में आप सबका वेलकम करते हैं, क्योंकि कल जैसे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उस वीडियो में मैंने आपके साथ ये बात शेयर की थी कि मैं आपको असाइनमेंट राइटिंग का वर्क प्रोवाइड करने जा रही हूँ थ्रू माय ऑफिशियल वेबसाइट। और उस वीडियो पर काफ़ी लोगों का अच्छा फीडबैक था, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करने जा रही हूँ जो कि मेरी वेबसाइट के अकॉर्डिंग है और आपके लिए भी वो बात बेनिफिशियल है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे एक एक पॉइंट को आपने लाजमी सुनना है कि मैं आपके साथ कौन सी बात शेयर करने जा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि अपनी ऑडियंस के लिए कोई भी चैनल या कोई भी ब्लॉगर इतना बड़ा स्टेप नहीं लेता कि वो अपनी ऑडियंस को एक ऑथेंटिक वर्क प्रोवाइड कर सके। वो जस्ट वीडियो अपलोड करता है, अगर उन्हें काम मिला ठीक, ना मिला वो वहीं पर उन्हें छोड़ देता है, वो उन्हें रिप्लाई भी नहीं करता, ठीक है। आई थिंक आप मेरी इस बात से एग्री करते होंगे क्योंकि यही रियलिटी है, ठीक है। इसके बाद जी मैंने ये सारी बातें देखने के बाद मैंने अपनी ऑडियंस के लिए एक इनिशिएट लिया है जो कि मैं आपके साथ आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगी कि मैं भी आपको असाइनमेंट वर्क प्रोवाइड करने जा रही हूँ, वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कोई भी इतना बड़ा स्टेप अपनी ऑडियंस के लिए नहीं लेता। और मैं आपके सामने एक और बात रखने जा रही हूँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं आपके लिए इतना बड़ा स्टेप ले रही हूँ तो आपका भी हक बनता है कि आप फीडबैक में मुझे सपोर्ट करें, ठीक है, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है और जैसे ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी वैसे ही मैं आपके लिए और भी अच्छा वर्क आपके साथ परफॉर्म करूँगी, ठीक है। इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी ऑडियंस मेरे साथ लिंक है तो उन अलग अलग पर्सन को मैं खुद रिप्लाई करूँ, ना कि मैं उन्हें इग्नोर करूँ, क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूँ, आई डोंट हैव एनफ टीम। मैं इंडिविजुअली वर्क करती हूँ अपने चैनल के साथ और अपनी ऑडियंस पर, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत कॉन्शियस हूँ अपने वर्क को लेकर और एज़ यूजुअल अपनी ऑडियंस को लेकर। मैं नहीं चाहती कि कोई भी आपको मेरा नाम लेकर मिस गाइड करे कि ये चैनल इस तरह से आपको असाइनमेंट वर्क प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि रियल वे में आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरा ये कोऑपरेशन किस तरह का लगा, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ ऑनेस्ट रहकर वर्क करें, क्योंकि लॉयलिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी वर्क। ये थी जी एक छोटी सी बात जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। आने वाले वीडियो में मज़ीद आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, ठीक है। सो वीडियो के साथ बने रहिएगा। और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी वेबसाइट शेयर करने जा रही हूँ, जब तक मेरी वेबसाइट लॉन्च नहीं होती तो आप इस वेबसाइट के थ्रू अपनी ऑनलाइन अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलते हैं जी वीडियो की डिटेल की तरफ। सबसे पहले जी आपने सिंपली आ जाना है गूगल पर। गूगल पर आने के बाद जी सबसे पहले जी हम आ चुके हैं एक ऐसी वेबसाइट पर जो कि आपको ये बताती है कि आपकी वेबसाइट पर कितनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ठीक है। हर कोई आपको स्कैम एडवाइज़र का शोशा देता है कि इस पर इतना स्कोर है, आप इस पर वर्क कर लें, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि इस वेबसाइट पर कितनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, जो कि मेन बात यही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.2K ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ठीक है। और इसके बाद जी अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर टॉप कंट्रीज़ में यूनाइटेड स्टेट मौजूद है। इसका मतलब ये है कि इस वेबसाइट पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं, ठीक है, जो कि आपको डॉलर्स में अमाउंट पे करते हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है, ये एक जस्ट एक प्रूफ होता है ये बताने के लिए कि इस वेबसाइट पर आपको कितनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगी, आपका यहाँ पर वर्क एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं है, ठीक है। ये जस्ट दिखाने का मकसद ये होता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपनी मेन वेबसाइट पर जिसका नाम है जी lighthouse.com, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे यहाँ पर जी आपको कुछ यहाँ पर सैंपल दिए गए हैं कि आपने किस तरह का आर्टिकल राइट करना है। अदर एग्जांपल ऑफ शॉर्ट वर्क्स बाय ब्लाइंड राइटर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको लिंक दिए गए हैं, आप इस लिंक को ओपन करके चेकआउट कर सकते हैं कि आप यहाँ पर किस तरह के असाइनमेंट्स, किस तरह के एसेज आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रॉल अप करते हैं, इसके बाद जी आपने यहाँ पर राइट किस तरह से करना है मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। कॉन्टेंट
राइटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे लोग एक कमरे में बैठकर सिर्फ लैपटॉप का यूज़ करके लाखों रुपए कमा रहे हैं, लाखों से कम तो हज़ारों तो वो ऑब्वियस सी बात है वो कमा ही रहे हैं। ठीक है, मैं कोई आपको रॉकेट साइंस वाली बात नहीं बता रही, ये रियलिटी है, आप इसके बारे में सर्च आउट भी कर सकते हैं थ्रू गूगल। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने यहाँ पर किस तरह से राइट करना है और कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपने कवर करना है। ठीक है, वी सीक टू पब्लिक डायनेमिक पर्सनल एसेज। यहाँ पर आपको सिंपल एसेज राइट करने हैं, वो एग्जाम्पल्स टॉपिक्स हैं जी, मेमोरिस्टिक रिफ्लेक्शन, ट्रैवल राइटिंग, जनरल ह्यूमर, आर्ट्स राइटिंग। ठीक है, ये है जी आपके कुछ टॉपिक्स जिनको आपने कवर करना है। अब काफ़ी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि हमने यहाँ पर राइट किस तरह से करना है, और ये वेबसाइट्स विदाउट प्लेजरिज्म ये वर्क एक्सेप्ट करती हैं, विद प्लेजरिज्म ये आपका वर्क एक्सेप्ट नहीं करती। आपने एआई की जो डिटेक्शन है उसको रिमूव करना है, देन आपने यहाँ पर आके अपना वर्क सबमिट करवाना है। अभी हमने ये काम किस तरह से करना है, हमें तो काम करना ही नहीं आता, काफ़ी लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा, तो इसका भी हल मेरे पास मौजूद है। स्क्रीन पर आपको एक वीडियो शो हो रही होगी, आपने ये वॉच करनी है। जैसे ही आप वॉच करेंगे आप इसेबल हो जाएंगे। आपने अपने चैट जीपीटी के मटेरियल से किस तरह से आपने अपनी जो प्लेजरिज्म है वो रिमूव करनी है। याद रहे चैट जीपीटी की प्लेजरिज्म वाला वर्क इस वेबसाइट पर एक्सेप्टेबल नहीं होता। यहाँ पर विदाउट एनी प्लेजरिज्म वर्क एक्सेप्ट होता है, विद प्लेजरिज्म आपका यहाँ पर वर्क एक्सेप्ट नहीं होता। जो वीडियो मैंने आपके सामने शेयर की है, इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है कि आपने चैट जीपीटी की प्लेजरिज्म को किस तरह से रिमूव करना है और एक ओरिजिनल कंटेंट आपने किस तरह से अपनी वेबसाइट को प्रोवाइड करना है। ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत लाजमी है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, स्क्रॉल डाउन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा वी आर नॉट लुकिंग फॉर, कि यहाँ पर आपने किस किन टॉपिक्स पर आपने राइट करके नहीं देना। फर्स्ट है जी यहाँ पर पॉलिटिकल रेंट्स पर, इन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये मजीद टॉपिक्स हैं जिन पर आपने राइट नहीं करना। इसमें मेडिकल आ जाता है, मेडिकल डायरीज आ जाता है, ठीक है, पॉलिटिकल रेंट्स आ जाता है जिनमें इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने भी इन टॉपिक्स पर टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, आपने जस्ट अगर टाइम अपना इन्वेस्ट करना है तो आपको जो टॉपिक शेयर किए गए हैं टॉप पर, आपने जस्ट इन पर फोकस करना है जो कि आपके सामने शेयर किए गए हैं, मेमोरिस्टिक रिफ्लेक्शन, ट्रैवल राइटिंग, जनरल ह्यूमर, आर्ट्स राइटिंग। ये है जी कुछ टॉपिक्स जिन पर आपने फोकस करना है। ठीक है जी, स्क्रॉल डाउन करते हुए आते हैं। यहाँ पर जी आपको सबमिशन के तौर पर कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड की गई हैं कि आपने किस तरह से यहाँ पर राइट करना है, और यहाँ पर आपको आपकी पेमेंट के बारे में भी क्लियर आउट कर दिया गया है। ठीक है, वी पे $100 फॉर एसेज, आपको यहाँ पर $100 पे किए जाते हैं सिर्फ एक एसे राइट करने के। अगर वो ओरिजिनल कंटेंट होगा तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ आपने 100% ओरिजिनल कंटेंट प्रोवाइड करना है। हमने ये कंटेंट किस तरह से बनाना है वो वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, ये जी $100 की अमाउंट लगभग बनती है 30,000 के करीब की अमाउंट बनती है पाकिस्तानी करेंसी में, जो कि आप इसको गूगल पर भी सर्च आउट कर सकते हैं कि $100 इन पाकिस्तानी रुपीज़ इज इक्वल्स टू 30,000 बनता है इन पाकिस्तानी करेंसी। ठीक है, और हमने यहाँ पर अपना आर्टिकल सबमिट कैसे करना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ईमेल ऑल सबमिशन टू, अगर आप यहाँ पर अपना आर्टिकल सबमिट करवाना चाहते हैं तो ये आपको दिया गया है जी ईमेल, आपने इस ईमेल को यूज़ करते हुए अपना आर्टिकल इन्हें सबमिट करवाना है। ठीक है, सबमिट हमने किस तरह से करना है, सिंपली आपने अपना जीमेल ओपन करना है, वहाँ पर आपने ये जो पेस्ट करना है ये पेस्ट करना है जीमेल इनका। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली सब्जेक्ट लाइन पर पिच का वर्ड ऐड करना है, कीवर्ड जो सब्जेक्ट लाइन होती है ईमेल के अंदर वो आपने वहाँ पर पिच ऐड करना है, और सिंपली आपने अपना जो वर्क है वहाँ पर पेस्ट करने के बाद इन्हें सेंड कर देना है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको जो वीडियो प्रोवाइड की है उसके अंदर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम डिटेल्स शेयर की हुई हैं। ठीक है, थीके? जो भी आपके अराउंड नेगेटिव पीपल हैं जो कहते हैं कि इन वेबसाइट से रिस्पॉन्ड नहीं आता, तो आपने उनको इग्नोर करना है और आपने ऑनेस्ट होकर अपने फ्यूचर के लिए इस पर वर्क लाजमी करना है, क्योंकि कंटेंट राइटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके थ्रू लोग हज़ारों रुपये कमा रहे हैं और ये वेबसाइट उन्हें पे भी करती है। और अब मेन बात आती है कि यहाँ पर आपने विड्रॉ किस तरह से लेना है, तो यहाँ से आपको विड्रॉ मिल सकता है थ्रू पेओनीर, थ्रू बैंक अकाउंट और थ्रू पेयर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डॉलर्स में अमाउंट आपको पे की जा रही है, तो आपको यहाँ पर पेओनीर के थ्रू दिया जा सकता है, पेयर के थ्रू दिया जा सकता है, और यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट के थ्रू दिया जा सकता है। ठीक है, जो कि अगर आपका यहाँ पर ऐसे एक्सेप्टेबल होता है तो आप यहाँ पर ईजिली $100 की अमाउंट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, मेरा काम था जी आपको ऑनेस्ट वे में तमाम डिटेल्स को स्टेप बाय स्टेप शेयर करना, जो कि मैं ऑलरेडी आपको कर चुकी हूँ। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो या कोई बात रह गई हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर,
टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ ही मैंने आपको एक ऑथेंटिक सी बात भी क्लियर की, अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट के यहाँ पर आपको 3.2K की ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप यहाँ पर ऑनेस्ट वे में वर्क करते हैं तो आपको यहाँ पर 100% ही पॉजिटिव फीडबैक आता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं जी अपनी मेन वेबसाइट पर। ये थी जी एक अमेजिंग सी वेबसाइट जिसके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी था, और जो स्टार्टिंग में मैंने बातें कही हैं आपने उन पर फोकस लाजमी करना है, इस चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत सी अमेजिंग सी अपॉर्चुनिटीज़ लाने वाला है इन फ्यूचर। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। ये थी जी आज की वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी वजह से इन्फॉर्मेटिव लगी हो या मेरा हार्ड अवेलेबल लगा हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।